मछुआ समाज के आरक्षण की मांग को लेकर एनडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने आवास से 190 चौराहे तक पदयात्रा निकालकर मछुआ समाज के लोगों को आरक्षण देने की मांग की। पदयात्रा के दौरान संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको लेकर के महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत आज से राजधानी में की गई, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी किया जाएगा। छीनने वाले लोगों के पर्दाफाश, धोखेबाजों का पर्दाफाश यात्रा है, यह महाजन संपर्क यात्रा है। मैंने 100 पेज की किताबें लिखी हैं कि हमारा आरक्षण 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जात में गिनती होती थी। हम 70 लाख थे, 1961 में हमें गिनके 7,000 कर दिया। हम पिछड़े नहीं हैं, हम अनुसूचित जात में हैं। हम लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा में हम चुनाव, हमारे गरीब का बेटा लड़े, वो उसकी नौकरी और जमीन सुरक्षित रहे, ये हमारी सुरक्षा छीनने वाले हैं। ये खानदानी आरक्षण था हमारा, हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया, देश को आज़ाद कराने में उजड़े हुए लोग हैं ये। हमारे लोगों ने गरीबी, हमारे लोग अंग्रेजों को मारकर भगाया, संविधान बनवाया, तो संविधान में मझवार, गौंड, तरोजा, खरवाल, बिरार, खरोट, कोली 7 नामों से है। इन बेईमानों ने हमारे नाम को पिछड़ी में डालकर हमारा हिस्सा छीना है, और हिस्सा छीनने वालों का पर्दाफाश करना धोखेबाजों को। अब पहली बार है कि मोदी जी और योगी जी ने हमारी बात को सुना और एक पत्र लिखकर RGI से मांग की।